मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबीज मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्विंस प्रेगनेंसी के 7 मंथ के बारे में और लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के बारे में। तो बेबी की जो लंबाई होती है वो 33 सेंटीमीटर से लेकर के 38 सेंटीमीटर तक के बीच में हो जाती है और जो बेबी का वेट होता है वो लगभग 1 किलो से लेकर के 1.3 किलोग्राम तक के बीच में रहता है। बेबी के आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, हाथ, पैर, ये सारी चीजें बिल्कुल डेवलप हो जाती हैं। बेबी के जो फेफड़े होते हैं वो भी बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं और बेबी का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो भी बहुत ही अच्छे से बन जाता है। बेबी बिल्कुल सोना भी स्टार्ट कर देता है एंड जगना भी स्टार्ट कर देता है। बेबी अंगूठा मुंह में देना स्टार्ट कर देता है और बेबी जो है काफी अच्छे से हलचल करना भी स्टार्ट कर देता है। और बेबी जब भी हलचल करेगा आपको बहुत ही अच्छे से हलचल महसूस होगी। मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैम 7 मंथ तो चल रहा है तो बेबी की जो है मूवमेंट कभी फील होती है तो कभी नहीं होती है। तो उसका रीजन यही होता है कि बेबी इस महीने जो है स्लीपिंग का भी पैटर्न अच्छे से फॉलो करता है तो जिस वजह से बेबी ना कभी कभी दो दो तीन तीन चार चार घंटे बिल्कुल साइलेंट रहता है। और आपका एक डाउट और दूर कर दूं कि आप लोग कहते हैं कि जब बेबी जो है हलचल करता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। कुछ बेबी बहुत तेजी से हलचल करते हैं, कुछ बेबी स्लो करते हैं तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ट्विंस प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हलचल कमी होती है, बेबी जो है कभी कभी बहुत तेज से मूवमेंट करता है तो कभी बहुत स्लो करता है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो बेबी की जो थोड़ी मूवमेंट होगी वो कमी होती चली जाएगी क्योंकि इस महीने से ना एमनियोटिक फ्लूड होता है जिसमें बेबी रहता है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि बेबी का साइज काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है। और ट्विंस प्रेगनेंसी में स्पेशली क्या रहता है कि जैसे जैसे बेबी बड़े होते हैं तो उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है तो जिस वजह से हलचल जो है दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से महसूस करने की कोशिश करें। इस महीने बेबी जो है आपके स्पर्ट को भी बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट कर देगा। आप जब भी लेटे तो आप जो है अपने हाथों को पेट पर सहलाएं तो बेबी जो है इसका रिएक्ट करेगा। बाहर की आवाज को बहुत अच्छे से सुनना स्टार्ट कर देता है, बाहर की जो रोशनी पेट पे पड़ती है उसको भी पहचानना स्टार्ट कर देता है तो वो फिर उस समय भी रिएक्ट करता है जब भी बाहर बहुत तेजी से शोर हो रहा होता है। बेबी जो है सुनना भी स्टार्ट कर देता है, समझना भी स्टार्ट कर देता है। तो आप इस समय अपने बेबी से बिल्कुल बातें कर सकती हैं तो आपको हलचल को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बेबी में जो है फैट जमा होना भी स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से बेबी का वजन बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इस समय बेबी का वजन अगर 1 किलो है तो लास्ट के 2.5 से 3 महीने के अंदर बेबी का वजन लगभग 3 से 3.5 किलो के आसपास बिल्कुल हो जाएगा। और बेबी जो है इस महीने अपनी पोजीशन भी चेंज करता रहता है तो कभी तिरछा हो जाता है तो कभी उल्टा कभी सीधा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि बेबी जो है अभी काफी अच्छे से राउंड करेगा, घूमेगा तो वो अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज करता रहेगा, अभी उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है। तो और अब हम बात करते हैं कि आपके अंदर क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे पहली बात कि आपका जो बेबी बंप होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा और आपको चलने में, उठने में, बैठने में, लेटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और जब आप करवट लेंगी तो आपको इतना ज्यादा पेन होगा प्राइवेट पार्ट में तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप जब भी लेटें अपने दोनों पैरों के बीच में प्लो लगा के ही लेटें, इससे आपको काफी रिलैक्स फील होगा। और आपको जो है इस मंथ से काफी ज्यादा सर में भी पेन रह सकता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप झंडू बाम वगैरह बिल्कुल यूज करती रहें और सर में थोड़ा सा चंपी वगैरह भी करवाती रहे टाइम टाइम से, इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। और आपको जो है काफी ज्यादा गैस बनना, कब्ज की शिकायत और खाना अच्छे से ना पचने की शिकायत काफी ज्यादा होगी जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। और आपको हो सकता है इस महीने से थोड़ी भूख भी कम लगना स्टार्ट हो जाए क्योंकि इस समय पेट इतना ज्यादा बढ़ता है तो जिस वजह से कोई भी चीज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो हमको भूख जो है बहुत ही कम लगती है। आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़े तो आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, ज्यादा बार खाना है, ना कि आपको इकट्ठा एक बार में खाना है। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। और आप जो है चलते फिरते रहे, थोड़ा टहलते रहे, इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। इस महीने से आपके पेट पर लाइन भी दिखाई पड़ने लग जाएगी। कुछ महिलाओं के सीधी होती है तो कुछ महिलाओं के बिल्कुल टेढ़ी रहती है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। और कुछ महिलाओं के होती ही नहीं है, बिल्कुल हल्की सी होती है। और आपके ब्रेस्ट का साइज काफी हद तक बढ़ जाएगा और इस समय जो है आपके ब्रेस्ट काफी ज्यादा हैवी फील करेंगी आप और उसमें थोड़ा सा पतला सा पानी जैसा पदार्थ भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो है वो बेबी के लिए प्रॉपर दूध बनाने की प्रक्रिया चालू हो रही होती है तो उसमें दूध की नलिकाएं जो होती है वो अच्छे से विकसित हो जाती है। बस आपको अपने ब्रेस्ट का ख्याल रखना है, आपको अपने ब्रेस्ट की जो है साफ सफाई रखनी है,
कॉटन से साफ करते रहना है, गर्म पानी से निप्पल को बिल्कुल ओके रखना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और आप देखेंगे आपके निप्पल्स के चारों ओर जो एरिया रहता है वो काफी ज्यादा डार्क हो सकता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। और आपका इस मंथ से काफी ज्यादा मूड खराब रह सकता है, कभी आपको अच्छा फील होगा कभी आपको रोने जैसा फील आएगा, तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल होता है। और आपके घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आप जब भी रात में लेटे तो अपने घुटनों में जो है तेल की मालिश करवा ले अच्छे से। और 7 मंथ से आपका जो पेट जो है काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा खिंचेगा और जिस वजह से काफी सारे स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा ही होंगे, हो सकता है आपके पेट के साथ साथ पैरों में भी आ जाए, आपके ब्रेस्ट में भी आ जाए, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। स्किन खिंचने की वजह से जो है बिल्कुल स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है, तो जिस वजह से स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको इनमें खुजली वगैरह हो रही है तो आपको नाखून से नहीं खुजलाना पड़ेगा, ये बहुत गंदे लगते हैं। आप जो है नारियल का तेल लगाती रहे, आप कोई लोशन लगाती रहे, इससे आपको बहुत ही कम खुजली होगी। और आप अपनी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें, जहां तक हो सके उसमें लोशन वगैरह बिल्कुल यूज करके रखें। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी केमिकल वाली चीजें बिल्कुल यूज नहीं करनी, जैसे ब्लीच फेशियल वगैरह, ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। और इस महीने से आपको बहुत ज्यादा थकान रहना स्टार्ट हो जाएगी, आप थोड़ा सा काम करेंगी बहुत जल्दी थक जाएंगी, तो आपको इकट्ठा काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप आराम से करिए, उसके बाद थोड़ा सा आराम करिए उसके बाद ही काम करें। आपको जो है पैरों में हाथों में सूजन की बिल्कुल समस्या हो सकती है, सूजन कोई जरूरी नहीं है हर लेडीज के आए, कुछ लेडीजों के आती है तो कुछ के नहीं आती है, तो अगर आपको जो है सूजन आ रही है अगर थोड़ी बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहुत ज्यादा सूजन होती है हाथों में पैरों में मुंह पर भी तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो सूजन होती है वो आपके शरीर में ब्लड की कमी होने का आपको संकेत देती है, तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप अच्छे से बिल्कुल सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लेटने में अच्छा फील नहीं होगा, बैठने में अच्छा फील नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल एडजस्ट करना ही होगा। जब आप लेटने जाएं तो आप कोशिश करें 1 गिलास गुनगुना दूध ले लें, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और आपको इस मंथ से झूठे लेबर पेन आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है, तो ये जो पेन होते हैं एकदम से आएंगे उसके बाद बिल्कुल चले जाएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और ट्विंस प्रेगनेंसी में एक समस्या और आती है इस महीने, तो हो सकता है आप कभी महसूस करें कि आपकी थोड़ा सा पानी एकदम से निकलेगा, और अगर वो पानी लगातार निकलता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो थोड़ा सा निकलता है और उसके बाद में जो अपने आप ही बिल्कुल सही हो जाता है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल नॉर्मल समस्या होती है। और आप कोशिश करें इस महीने से थोड़ा जीने पे जहां तक हो सके बिल्कुल अवॉइड करें, कम से कम चढ़े, क्योंकि जीने पे ज्यादा ऊपर नीचे करने से भी हमारी जो है प्रेशर पड़ता है पानी की थैली में, तो जिस वजह से भी वो कभी कभी जो है पानी निकल जाता है, क्योंकि दो दो बच्चे होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आपको बहुत आराम से चलना है, बहुत ज्यादा स्पीड में ना चलें। आप लोगों की एक शिकायत थी कि जो है आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो मैं आपको बता दूं ट्विंस प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। इसका रीजन होता है कि बेबी जो है नीचे को आते हैं, नीचे को प्रेशर पड़ता है, दो दो बेबी होते हैं, वजन बहुत ज्यादा होता है, तो ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये आपको बिल्कुल झेलना ही पड़ेगा, और जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो बिल्कुल ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इस महीने से आपको यूरिन की बहुत ज्यादा शिकायत होगी, तो आपको बार बार यूरिन ना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल जाएं यूरिन को बिल्कुल भी रोक के ना रखें, अगर आप रोकती हैं तो इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। यूरिन जाने की वजह से आप पानी बिल्कुल अवॉइड ना करें, पानी को ज्यादा से ज्यादा पिएं, और रात में थोड़ा कम पिएं, दिन में आप बिल्कुल आराम से 10 से 12 ग्लास आराम से पिएं। और ट्विंस प्रेगनेंसी में दर्द होना छोटा मोटा बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, इसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर मैं कार्ड पे भी लगा दूंगी, आप उसको एक बार जरूर देखें। आपको कभी कभी चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होने लगती है, क्योंकि दो दो बेबी होते हैं तो बहुत ज्यादा ही डिमांड होती है पोषक तत्वों की, जिस वजह से हमारे शरीर में काफी हद तक कमी होने लगती है, तो आपको अपनी खिलाई पिलाई बिल्कुल प्रॉपर रखनी है। खिलाई पिलाई में आप कोशिश करें हेल्दी से हेल्दी लें, हरी सब्जियां, दालें और दही है, दूध है, फल है, ये सारी चीजें लें जो आपको फायदा करें, अनहेल्दी चीजों का सेवन ज्यादा ना करें। अब मैं आपके लिए कुछ जरूरी बातें बताऊंगी। सबसे पहली बात कि जब आपका 7 मंथ लगता है तो सबसे पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड कम होना एक बहुत ही नॉर्मल समस्या होती है, तो आप तुरंत ही इस महीने अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, कम से कम 12 पॉइंट आपके अंदर ब्लड जरूर होना चाहिए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी संभव है। अगर आप अभी करवाती हैं,
अगर आपका ब्लड कम आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए इसमें प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिससे आप अपने शरीर में ब्लड की कमी पूरी कर सकें 1 से 1.5 महीने के अंदर। जो हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है वो लगभग 8.5 महीने की होती है, 37 वीक्स की ही होती है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। और दूसरी बात, इस महीने आपको एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है और उसमें बेबी का वेट देखना है जितना मैंने आपको बताया। अगर इससे बेबी का वेट कम आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी कि आप 1 महीने में अपने बेबी का वेट कैसे गेन कर सकती हैं। और तीसरी बात, आपको अपना टाइम टाइम पे बीपी बिल्कुल चेक करवाते रहना है, लगभग 15 से 20 दिन बाद एक बार बीपी जरूर चेक करवाएं। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आप इस महीने से अच्छे से टहलना स्टार्ट कर दें, और अगर आप पोछा वगैरह लगाने में कंफर्टेबल है तभी आप पोछा लगाएं, अदरवाइज आप बिल्कुल कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके पेट पे प्रेशर पड़े एंड दबाव पड़े, आप जो है पोछा नहीं लगा पा रही तो कोई बात नहीं। इस मंथ से आपको कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करना है, आप बहुत छोटा सा काम कर सकती हैं। आप एक चेयर ले लीजिए, चेयर को पकड़ के आपको घुटनों के बल थोड़ी देर बैठना है, उसके बाद फिर खड़ा होना है, फिर बैठना है, फिर खड़ा होना है, ऐसा अगर आप करना स्टार्ट कर देती हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो टाइम पे बहुत जल्दी खुलेगा, इससे आपकी थोड़ी सी जो घुटने वगैरह है वो भी थोड़े मजबूत होंगे। तो आप थोड़ा सा ये काम करना जरूर स्टार्ट कर दें और ज्यादा से ज्यादा टहले, तो जब आप टहलेंगी तो आपके पेट में अलग ही सा दर्द होगा एकदम से, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, फिर आप टहलिए, फिर रिलैक्स लीजिए, और आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, और आपको थोड़ा थोड़ा काम जरूर करते रहना है जिससे आप भी एक्टिव रहे और आपका बेबी भी एक्टिव रहे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर बनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।